नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबके एक वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको LIC IPO लाइव अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। LIC IPO के क्या कुछ फायदे हो सकते हैं और अगर आपको LIC IPO में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए तो किस कारण से इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा हुआ है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो प्राइवेट बटन में लिंक दे दूंगा, जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। आपके जो भी डाउट्स वगैरह होंगे LIC IPO को लेकर वो सारी डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखा देता हूं किस तरह से आप अपने LIC IPO के लिए बिड प्लेस कर सकते हैं। और सिर्फ LIC IPO ही नहीं, जो तरीका मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं उस तरीके का यूज करके आप फ्यूचर में जो कोई भी IPO वगैरह आएगी उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसी भी IPO में बिड प्लेस करने के लिए आपके पास में एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो डीमैट अकाउंट तो काफी सारे हैं लेकिन मैं पर्सनली यूज करता हूँ अपस्टॉक्स को। अपस्टॉक्स में बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। पहली चीज तो यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस वगैरह कुछ भी नहीं, रजिस्ट्रेशन फीस आपको कुछ भी पे नहीं करना है। उसके अलावा कोई भी इसके ब्रोकरेज चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका AMC चार्जेस भी नहीं है, यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी कुछ भी पे नहीं करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको अपस्टॉक्स का यूज करके ही IPO में बिड प्लेस करके दिखाता हूँ। सो डीमैट अकाउंट ओपन करने यानी अपस्टॉक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है और इसको अपडेट करने के बाद में ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। तो एप्लीकेशन ओपन होते ही आप यहां पर देख सकते हो LIC IPO वाला ही पेज ओपन हो चुका है, लेकिन मैं यहां पर जो भी इसके ऑप्शन वगैरह है वो भी मैं आपको बता देना चाहूंगा। नीचे में आप देख सकते हो कई सारे ऑप्शन बने हुए हैं, माई लिस्ट, ट्रेडर्स, डिस्कवर और अकाउंट का। माई लिस्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो तो जो भी आपने यहाँ पर सेट वगैरह करके रखा होगा जो भी शेयर का, तो उसका रियल टाइम में क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं, डाउन जा रहा है शेयर या प्राइस उसकी हाई जा रही है, वो सारी आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। ट्रेडर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी आपका पोजीशन होगा, जो भी आपने होल्डिंग यानी शेयर वगैरह बाय किया होगा वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जितने भी आपने ऑर्डर प्लेस वगैरह किए होंगे। डिस्कवर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पर IPO वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और यहाँ पर अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने अकाउंट की डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं LIC IPO की, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है। तो सिंपली हम डिस्कवर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो अप्लाई फॉर इंडियन मोस्ट अवेटेड IPO 4th मई एंड 9th मई, यानी आज इसका लास्ट डेट है। 4 तारीख से शुरू हो चुका था और 4 तारीख को ही मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दे दिया था कि आपको LIC में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो देख लिया होगा तो बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया होगा और यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखा दे रहा हूँ, जिन्होंने अभी नहीं किया है तो वो कर सकते हैं। तो LIC IPO में इन्वेस्टमेंट करने के आपके पास में 3 ऑप्शन है। देखिए मैं यहाँ व्यू ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो पहला वो है कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो कर सकता है, दूसरा एम्प्लॉय जो है वो कर सकता है, और जो LIC IPO पॉलिसी होल्डर है वो कर सकता है। और इन तीनों के लिए ना अलग अलग बेनिफिट है। इंडिविजुअल और इंप्लॉय के लिए 45 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है और पॉलिसी होल्डर को 60 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है पिछली वीडियो में, तो चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम यहां पर बात कर रहे हैं LIC IPO, तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है हम, तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो क्या कुछ आपका प्राइस बनेगा, कितना आपको शेयर मिलने वाला है, सारी चीजें आप देख सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है आपको 13,530 रुपए का करना पड़ेगा। 15 शेयर्स हैं, लॉट साइज यानी एक लॉट में 15 शेयर्स आपको मिल जाएंगे। कंपनी का प्रोफाइल आप यहां से चेक कर सकते हो, IPO एनालिसिस आप यहां से चेक कर सकते हो, क्या कुछ की हाइलाइट्स हैं वो आप देख सकते हो, मतलब इस IPO के बारे में जो भी डिटेल्स है आप यहां पर चेकआउट कर सकते हो। और यहां टाइमलाइन का ऑप्शन बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करके आपका बिडिंग स्टार्ट देख सकते हो, 4 तारीख से शुरू हो चुका है। बिडिंग एंड देख सकते हो 9 मई को हो जाएगा। अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन जो है 12 मई को हो जाएगा। रिफंड इनिशिएट जो है 13 मई को हो जाएगा। अगर आपका ये IPO सक्सेसफुल हो जाता है तो आपके लिए अलॉटमेंट जो है 12 मई को हो जाएगा और 13 तारीख को आपके अकाउंट में शो करने लग जाएगा। नहीं होता है तो रिफंड इनिशिएट जो है 13 मई को हो जाएगा और डीमैट ट्रांसफर जो है आप 16 मई के बाद में कर सकते हैं। इसकी लिस्टिंग जो है 17 मई को हो जाएगी। तो सारी चीजें अब आपको पता लग गई होगी। तो मैं हूं ओवरव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं और यहां अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। यहां पर आप देख सकते हो इंडिविजुअल है, बिड वन यानी हमने एक लॉट ही बाय करना है। प्राइस आप देख सकते हो 902 और 949 के बीच में है। और यहां पर देखिए एक ऑप्शन आपको मिल जाता है अप्लाई एट कट ऑफ प्राइस। इसका मतलब आप समझते हो क्या है कि आप सपोज कीजिए एक शेयर के लिए 949 रुपीज का अभी पे कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है जब ये लिस्टिंग हो ना उस टाइम जो है इसका प्राइस कम हो सकता है, 935, 920 रुपीज या ऐसे कुछ भी लिस्टिंग हो सकती है। तो अगर आप कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करके रखोगे ना तो ऑटोमेटिक से उतने पर ही आपका बिड प्लेस हो जाएगा, उससे ज्यादा आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये फायदा होता है अप्लाई एट कट ऑफ प्राइस का, तो आप इसको जरूर से सिलेक्ट करके रखिएगा। सो अभी हम इस IPO के लिए एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं, तो जिसके लिए हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे प्रेस करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर UPI ID एंटर कर देंगे और इसके टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करने के बाद में कंफर्म वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देंगे।
सो अभी हमारा एप्लीकेशन जो है फाइल हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। व्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके सारी चीजें आप देख सकते हो कि आपने बिड एक लॉट का लगाया है, जो भी प्राइस वगैरह था वो हमने लगा दिया है, कट ऑफ प्राइस हमने सिलेक्ट किया है, तो जितने पर भी अलॉटमेंट होगा वो हमें मिल जाएगा। यूपीआई एड्रेस आप देख सकते हो, अमाउंट टू बी ब्लॉक्ड आप देख सकते हो, 14,235 रुपए हमारे अमाउंट जो है ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन तो फाइल हो गया, लेकिन इसके बाद में आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा उस यूपीआई एड्रेस पर, जो यूपीआई एड्रेस आपने यहाँ पर यूज किया है, वहां पर आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, डेढ़ घंटा या मैक्सिमम 6 घंटे का टाइम लग सकता है। अगर 6 घंटे में आपको कोई भी नोटिफिकेशन रिसीव नहीं होता है तो आप इस बिड को कैंसिल करके दोबारा से आप रीअप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 6 घंटे आपको वेट करना है मैक्सिमम, तब तक आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन मिल जाएगा और नोटिफिकेशन में आपको बता दिया जाएगा कि आपका LIC एप्लीकेशन जो है फाइल किया गया है और आपका अमाउंट जो है ब्लॉक किया जा रहा है। तो उसके लिए आपने पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपना यूपीआई एड्रेस डालकर सबमिट कर देना है। इतना करते ही जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, उसको आप यूज नहीं कर सकते हो और आपका बिड प्लेस हो जाएगा, आपको सक्सेसफुली लॉट मिल जाएगा तो वो पैसा आपके अकाउंट से कट हो जाएगा। लेकिन आपका बिड प्लेस नहीं होता है, आपको IPO अलॉटमेंट नहीं होती है, तो वो पैसा जो है आपको रिफंड मिल जाएगा यानी अनब्लॉक हो जाएगा और आप उस पैसे को यूज कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस है LIC IPO में इन्वेस्टमेंट करने का, जो कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और आप भी LIC IPO में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट आपके पास में तो कर सकते हैं, नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और LIC IPO और आने वाले फ्यूचर IPOs में भी आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए। तो मैं मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।